आज हम गणित विषय में कक्षा छठी में पहला चैप्टर संख्याओं की समझ को समझेंगे। संख्याओं की समझ में हमारी गणित विषय में गुणा भाग योगफल वह घटाना, साथ में संख्याओं को शब्दों में अंकों में लिखना, इसी के साथ में चौथा आ रहा है संख्या बनाना अंकों का प्रयोग करके, अंकों का प्रयोग करके संख्या बनाना। तो अच्छी तरह से वैसे तो ये जनरल टॉपिक है, आपने छोटी कक्षाओं में भी पढ़ा होगा शब्दों में अंकों में किस तरह से लिखा जाता है, फिर भी हम लोग अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न जो हमारा है वो ध्यान से सुने, तो पहला प्रश्न दिया हुआ है निम्नलिखित संख्याओं को, प्रश्नावली 1.1 है, निम्नलिखित संख्याओं को शब्दों में लिखो, शब्दों में लिखिए। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग एक पहला प्रश्न लेते हैं, ये सवाल, तो यह इसको हम लोग हल करते हैं। तो इसको शब्दों में पूछा है तो शब्दों में हल करेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, यहां से चलते दाई तरफ से पहले अंक से इकाई का अंक होता है, फिर दूसरा दाई का, तीसरा सैकड़ा, चौथा हजार। तो इसको यहाँ पे ये हजार पे खत्म हो रहा है, तो 2000 फिर आगे 455 दिखाई दे रहा है, तो आप लिखोगे 455 इस तरह से। उसके बाद में एक दूसरा उदाहरण और लेते हैं, ये सवाल, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10000, 10000 में दो अंकों से बनी संख्या को एक साथ लिया जाता है, जैसे यहाँ पे 10000 में आ गया, तो इस पूरे दोनों अंकों को एक साथ लेकर आप वो संख्या लिखेंगे, तो 28 है 28000, 6 है 601, 601 28601। इसी तरह से एक लास्ट का लेते हैं हम लोग, यहां से देखते हैं इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10000 लाख, ये लाख पर रुका है, तो सबसे पहले लाख पर 5 रुका है, तो 500000 लेते हैं 27 है, 27000, फिर 625, तो 625। इस तरह से अपना पहला प्रश्न कंप्लीट होता है, निम्नलिखित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। इसी तरह से अब हमारे सामने इसका उल्टा आता है कि निम्नलिखित संख्याओं को अंकों में लिखिए, या निम्नलिखित कथनों को अंकों में लिखिए, या फिर निम्नलिखित को संख्याओं के रूप में लिखो, एक ही बात है। तो यहाँ पे देखो सवाल कैसे आता है, अब की बार ये प्रश्न बन जाएगा, ये प्रश्न एक है मान, केवल इसको देखें एक बार, 2455 इसका हल हम यहाँ लिखेंगे इसके सामने,
अच्छी तरह से आपको शब्दों में दिया हुआ है, इसको अंकों में लिखना है या संख्याओं के रूप में लिखना है। 2455, 2000 पर रुका है तो 2, फिर 455, 455 इसी तरह से इसको देखें 28000, तो 28 लिख दीजिए कोमा देखें, फिर 601 है तो 601 इसके इसी तरह से यहां से चलते हैं 5 लाख, इसका यहां देखते हैं 5 लाख है तो केवल 5 लिखे कोमा लगा दी, फिर 27000 है तो 27 लिखे फिर कोमा लगे, 625 है तो आगे 625 है। इस तरह से आपको अंकों में लिखना है। तो हमारे 2 प्रश्न क्लियर होंगे, जो संख्याओं को शब्दों में लिखना और संख्याओं को अंकों में लिखना। हाँ, तो इसी क्रम में आगे हम 3रा प्रश्न लेते हैं। 3रा प्रश्न ये कह रहा है कि इस बुक में दिया हुआ है, आपके पास कुछ अंक दिए हुए हैं, जैसे हमारे पास कुछ अंक है, जैसे मैं यहाँ पे अंक लिख रहा हूं 1, 0, 5, 2, 3, 7। ध्यान से सुने प्रश्न को, ये आपको अंक दिए हुए होंगे, इनका केवल एक बार प्रयोग करके, केवल एक बार प्रयोग करके आपको 5 संख्या, 6 संख्या, 7 संख्या, 8 संख्या, जितनी संख्या आपसे पूछे उतनी बना सकते हो। जैसे इस प्रश्न में मैं कहूं इन अंकों का केवल एक बार प्रयोग करते हुए 5 संख्याएं बनाएं, तो 5 संख्याएं बनाने के लिए आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले इनमें से कोई सा भी अंक ले लें, हालांकि 0 पहले नहीं लेना है, याद रखें 0 पहले नहीं ले सकते, बाकी कोई सा भी अंक इनमें से आप ले सकते हो। तो जैसे मैंने 1 ले लिया, उसके बाद में बाकी आपको क्रम से लिखना है या कैसे भी लिख सकते हो, जैसे मैंने 0, 5, 2, 3, 7, फिर आप कोमा लगाएंगे 1, 2, 3 अंक छोड़ के, फिर 2 अंक छोड़ के, इस तरह से। ये पहली संख्या बनी, दूसरी संख्या बनानी है दोबारा 1 लिख सकते हो, इनका क्रम चेंज कर दो, जैसे 0 यहाँ 2 नंबर पे आ रहा है ना, तो इसको आगे ले जा सकते हो कहीं भी, तो 5, 0, 2, 3, 7, फिर वही कोमा लगानी है 3 और 2। तीसरी, आप इसको चेंज भी कर सकते हो, 1 को नहीं रखना चाहते हो या रखना चाहते हो तो ये लो 1 रख सकते हो, फिर ये जो 5 है इसको भी रख सकते हो, इस 0 को आगे ले जा सकते हो, या 2 को इधर, 3 को इधर ला सकते हो, 7 को ला सकते हो, जिसे 7 ले लिया मैंने, फिर 3, फिर 2, फिर 0। याद रखें इनमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 अंक है, सभी में 6 होनी चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5 है, किसी अंक को छोड़े नहीं, सभी का प्रयोग करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसी तरह से चौथी संख्या बना रहे हैं हम, जैसे मैंने यहाँ आपकी बार 7 ले लिया है, ये 7 ले लिया है, बाकी को आप किसी भी क्रम में लिख सकते हो, तो 1, 0, 5, 2, 3 फिर कोमा लगा देना है। पांचवी, इनमें से कोई सा अंक पहले ले लो, 2 ले लिया, फिर 3, 7, 1, 0, 5, इस तरह से हम लोग इसमें खूब सारी संख्या बना सकते हैं। तो ये है सबसे पहले प्रश्न है, तो ध्यान से समझे, केवल एक बार प्रयोग करते हुए आपसे 5, 6, 7, 8, 9, 10 संख्या जितनी पूछे होते उसका जवाब। इसी प्रश्न में एक दूसरा प्रश्न और बन रहा है, आप ध्यान से देखें, एक टाइप तो ये था, दूसरा टाइप क्या होता है कि इन अंकों का केवल एक बार प्रयोग करते हुए सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करते हैं, अब की बार थोड़ा सा ध्यान से देखना, इन अंकों का प्रयोग करके सबसे बड़ी संख्या, तो आपको क्या करना है, इसमें सबसे बड़ा अंक पहले लिखना है, तो सबसे बड़ा अंक इसमें 7 है, उसके बाद में उससे छोटा
पांच है, उसके बाद में तीन है, दो, एक, जीरो। इस तरह से आपको कोमा लगा देना है, फिर शुरुआत में तीन अंक ऊपर छोड़ के, फिर दो दो अंक, और सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटा अंक देखना है। हालांकि मैं पहले भी कह चुका हूं, दोबारा कह रहा हूं, शुरुआत में आप जीरो नहीं लिख सकते, वरना जीरो की वैल्यू खत्म हो जाती है। तो सबसे छोटा, वैसे तो जीरो है इसमें, लेकिन जीरो पहले नहीं लिखा जाएगा, उसके बाद में हम देखते हैं, तो एक है, एक फिर जीरो को लगा दो तुरंत ही, एक जीरो। उसके बाद में इनमें से छोटा दो आ रहा है, फिर तीन आ रहा है, फिर पांच आ रहा है, सात। इस तरह से ये सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या हमने निकाल ली। इसी क्रम में हम आगे देखते हैं, तो कई बार इसी सवाल में ये भी पूछ लिया जाता है कि इन अंकों का केवल एक बार प्रयोग करते हुए सबसे बड़ी संख्या व सबसे छोटी संख्या में अंतर ज्ञात कीजिए, या सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या का योग ज्ञात कीजिए। ध्यान दे बच्चे, अंतर पूछ ले या योग पूछ ले, यदि अंतर पूछे है तो आपको बड़ी में से, जैसे अंतर का सवाल मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, अंतर पूछ ले तो आपको बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस कर देना है, इस तरह से। और योग पूछ ले तो यहां पे क्या कर देना है, प्लस, और इन दोनों को जोड़ देना है, इस तरह से। मैं आशा करता हूं आप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी प्रॉब्लम आए इस सवाल में, तो अपने जिस दिन क्लास स्टार्ट होगी उस दिन अच्छी तरह से पूछ सकते हैं। आपको फिर नोटबुक में होमवर्क दिया जाता है। हाँ, तो बच्चों ये फिर आज का होमवर्क रहेगा। आप ऊपर एक पर्सनली 1.1 लगाएंगे, टॉपिक का नाम होगा संख्याओं की समझ, और फिर होमवर्क लगा के ये पहला प्रश्न है, निम्न संख्याओं को शब्दों में लिखिए, और दूसरा प्रश्न ये है, निम्न को संख्याओं के रूप में या फिर अंकों में लिखिए। अच्छी तरह से आप नोट कर लें। थैंक यू।